MP24 न्यूज की खास बातचीत यूरिया गोदाम प्रभारी छिंदवाड़ा रूपेश उइके से, साथ ही कोल्ड स्टोरेज परासिया रोड छिंदवाड़ा में यूरिया खाद लेने आए लोगों में आपसी विवाद, हुई मारपीट, साथ ही जिला छिंदवाड़ा की सातों विधानसभा क्षेत्र से आ रहे हैं लोग, किसान सोसाइटी से नहीं हो पा रहा है वितरण। MP24 न्यूज के लिए देवेंद्र वर्मा की विशेष रिपोर्ट। आओ जी, सोसाइटी में जो है आपकी खाद वितरण का लेकर के किस कोटे से किस तरीके दिए जा रहे हैं यहाँ अभी वर्तमान? हाँ, प्रति एकड़ दो बोरी। तो ये क्या सभी के लिए है? सभी के लिए मतलब किसान अगर अपना खसरा पावती और आधार कार्ड लेके आता है उसमें प्रति एकड़ दो बोरी और 10 एकड़ है तो 20 बोरी से ऊपर की लिमिट नहीं, फिर भली 100 एकड़ तक रकबा हुई 20 बोरी से ज्यादा नहीं और प्रति एकड़ दो बोरी। ये जो है सोसाइटी के अंतर्गत वहाँ से मिलना है, आपके यहाँ पर्चा लगा हुआ है कि नगद विक्रय बंद यूरिया समिति से प्राप्त हो गई, उसके बावजूद भी आपके यहाँ से दिया जा रहा है? नहीं, नगद विक्रय बंद ये सब पोस्टर 2 साल पुराना है। अच्छा, अभी जो मुख्यालय से आदेश हुए उसके अनुरूप ये काम है, वो पर्चे जो लगे हैं वो पुराने हैं, पुराने डेट भी नहीं लगी है, तो मुख्यालय के आदेश पे ही ये काम किया जा रहा है। समितियों से भी दिया जा रहा होगा इनको? समिति से दिया जा रहा है, समिति में लेकिन परमिट बेसिस पे, जो जिन किसानों का खाता समितियों में नहीं है या फिर जो आरएनई किसान है वो बस यहाँ से रखते हैं, अमूमन नहीं तो समितियों से परमिट नहीं देता है, समितियों में नगर विक्रय बंद। ये सिर्फ छिंदवाड़ा के लोगों को दिया जा रहा है कि पूरे जिले भर के लोग को? जिले के लोग जहाँ पे भी आ रहे हैं, प्राय प्राय अलग अलग जगह से आ रहे हैं लोग, तो जो जहाँ से आ रहा है वो उनके पेपर के बेसिस में देंगे। आपका शुभ नाम क्या? क्या नाम लिखते हैं सर? हाँ जी, क्या नाम लिखते हैं? रूपेश।